हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आज हम इस टाइप की ऑरेंज एंड टील इफेक्ट फोटो एडिटिंग है जो लाइटरूम ऐप की मदद से करने वाले हैं। सो गाइज, ये एडिटिंग मैं आपको बिल्कुल इसी तरीके से सिखाने वाला हूँ, इसलिए आप वीडियो को एंड तक देखना है। एंड आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपको चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना है। गाइज, इसके लिए सबसे पहले हमें लाइटरूम ऐप को ओपन कर लेना है एंड यहाँ पर गैलरी वाले ऑप्शन पर हमें आ जाना है। एंड यहाँ पर हमें फोटो सेलेक्ट कर लेना है जिसको हम एडिट करना चाहते हैं। हम सिंपली इस वाली फोटो को हम यहाँ पर एडिट करने वाले हैं। सिंपली इस वाली फोटो को हम एडिट करने वाले हैं, सिंपली इसके ऊपर हम क्लिक कर लेते हैं। सो गाइज, इसके अंदर सबसे पहले हमें लाइटिंग को एडजस्ट कर लेना है, तो यहाँ पे हमें लाइट वाले ऑप्शन पे आ जाना है। एंड यहाँ पे कंटेस्ट है, इसको हमें इंक्रीज़ करना है। एंड गाइज, हाई लाइट है, इसको भी हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड शेडोज है, इसको हल्का से डाउन करना है। एंड फिर आता है गाइज वाइट, वाइट को हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज कर लेना है। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें कलर वाले ऑप्शन पे आ जाना है, तो सिंपली हम यहाँ पे क्लिक कर लेते हैं। एंड इसके अंदर गाइज यहाँ पे है टेम्परेचर, इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है। एंड टिंट गाइज, इसको हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड विब्रेंस गाइज, इसको हल्का से यहाँ पे हमें डाउन करना है। एंड गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे मिक्स वाला टूल है, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड सेकंड वाला कलर गाइज ऑरेंज कलर, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड इसके अंदर सैचुरेशन है, इसको हमें डाउन करना है। सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना डाउन कर लेते हैं। एंड ल्यूमिनेंस गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद नेक्स्ट वाला कलर आता है येलो कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे हुए है, इसको हमें डाउन करना है -100, इसको हमें कर लेना है। एंड सैचुरेशन है, इसको हमें सिंपली यहाँ पे इतना कर लेना है। गाइज, इसके बाद आता है लुमिनस, इसको भी हल्का से यहाँ पे इंक्रीज करना है। एंड गाइज, यहाँ पे नेक्स्ट वाला कलर आता है यहाँ पे ग्रीन कलर, इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड इसके अंदर हुए है, इसको हमें डाउन करना है -100, इसको हमें कर लेना है। एंड यहाँ पे सैचुरेशन गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड सिंपली इसको हम यहाँ पे इतना इंक्रीज कर लेते हैं। एंड यहाँ पे ल्यूमिनेंस है, इसको हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज करना है। एंड यहाँ पे हमें डन कर लेना है। गाइज, इसके बाद सिंपली यहाँ पे इफेक्ट वाले ऑप्शन पे हमें आ जाना है। एंड यहाँ पे बिगनेट है, इसको हमें डाउन करना है। एंड सिंपली यहाँ पे इतना हम इसको डाउन कर लेते हैं। एंड क्लियरिटी गाइज, इसको हमें इंक्रीज करना है। एंड क्लियरिटी को हल्का से यहाँ पे हमें इंक्रीज कर लेते हैं। एंड डेहेज गाइज, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है। एंड इसके बाद में गाइज, यहाँ पे हमें ड्रिल्स वाले ऑप्शन पे आ जाना है, अपने फोटो को हमें स्मूथ करना है। तो सिंपली शार्पनिंग है, इसको हल्का से इंक्रीज करना है। ड्रिल्स को हमें फुल करना है। फिर आता है गाइज नॉइस रिडक्शन, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है। ड्रिल्स को हमें फुल करना है। फिर आता है गाइज कलर नॉइस रिडक्शन, इसको भी हल्का से इंक्रीज करना है। ड्रिल्स को एंड सिमिलर्स को दोनों को हमें फुल कर लेना है। इसके बाद सिंपली यहाँ पे हमें बैक आ जाना है। एंड अब हमें सिंपली, अब आप यहाँ पे देख सकते हो, बिफोर एंड आफ्टर हमारी फोटो एडिटिंग अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। गाइज, इसको हमें पिक्सआर्ट ऐप में शेयर करना है, तो सिंपली यहाँ पे शेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे शेयर पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे पिक्सआर्ट के अंदर इसको हम शेयर कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद में यहाँ पे इफेक्ट वाला ऑप्शन है, तो सिंपली इसके ऊपर हमें क्लिक कर लेना है। एंड यहाँ पे कलर रिप्लेस है, इसके ऊपर हमें आ जाना है। एंड गाइज, इस सर्कल को यहाँ पे येलो कलर के ऊपर हमें फिक्स कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें कलर को एडजस्ट करना है, जो भी हम यहाँ पे कलर करना चाहते हैं। तो हम यहाँ पे एक्वा कलर करना चाहते हैं, तो एक्वा कलर पे हम इसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। एंड गाइज, यहाँ पे मीन हुई है, इसको भी हमें एडजस्ट कर लेना है। तो इसको भी हम सिंपली यहाँ पे आपके हिसाब से आपको एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे इतना एडजस्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद में मैक्सिमम व्यू है, इसको हम सिंपली यहाँ पे इतना कर लेते हैं। गाइज, इसके बाद में आप यहाँ पे कोई सा भी कलर आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ये कलर एक्वा कलर रहने देता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको फिक्स कर लेता हूँ। एंड आपको भी इतना कर लेना है। इतना करने के बाद गाइज, यहाँ पे हमें सिंपली डन कर लेना है। एंड सिंपली यहाँ पे कलर वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। एंड गाइज, इतना करने के बाद सिंपली यहाँ पे हमें डन कर लेना है, तो सिंपली हम यहाँ पे डन कर लेते हैं। एंड गाइज, इसके बाद में सिंपली यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। अपनी फोटो को हमें सेव करना है, तो सेव के ऑप्शन पे हमें क्लिक कर लेना है। हमारी फोटो जो काफ़ी अच्छी क्वालिटी के अंदर सेव हो जाएगी। सो आई होप गाइज ये एडिटिंग आपको काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगी। पसंद वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।